अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हम सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। हम सब अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है जी। आज का जो ड्रेस मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये 10 साल की बच्ची के लिए जो हमने स्टिच किया है, और ये फ़िराक है कलियों वाला। इसकी फैब्रिक की बात करें तो ये हमने निशात से बाय किया था, ये हमने 3 मीटर फैब्रिक बाय किया था ऑफ पे। तो इसके साथ हम फ्रॉक भी बनाएंगे और ट्राउज़र भी बनाएंगे। इसका जो कलर है वो येलो कलर और स्काई ब्लू कलर इस तरह से। तो हमने ये मेहंदी के लिए ड्रेस बनाना है और इसके ऊपर हम गोटा वगैरह यूज़ करेंगे। तो इसकी डिटेल मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये किस तरह से स्टिच किया था। इस ड्रेस पे जो हम डिज़ाइनिंग करेंगे, तो हमने जो चीज़ें बाय की थी मैं आपको वो दिखा रही हूँ। ये हमने सिंपल गोटा बाय किया था, और ये गोटे वाले फ्लावर के डिज़ाइन में भी होते हैं, बट ये लीव वाले हैं, तो हम इसके साथ डिज़ाइन बनाएंगे। और ये ड्रेस हम मेहंदी के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए हमने इस पर गोटा यूज़ किया है, और हमने ये गोटे वाले जो लीव्स होते हैं ये लिए हैं। इसके साथ हम फ्लावर बनाएंगे और कुछ इस पर हम लगाएंगे, और हमने साथ में ये भी बाय किए हैं, बट ये हमने लगाए नहीं क्योंकि ये हम थोड़े से छोटे ले आए थे, थोड़े से बड़े होते तो वो ज़्यादा अच्छे लगते, इसलिए हम स्किप कर लिए थे। अच्छा, तो हमने फ्रॉक के लिए जो कलियाँ थी वो कट कर ली हैं। हमने फ्रंट पे 5 कलियाँ लगाई हैं और बैक पे 5, टोटल 10 कलियाँ हमने इसकी कट की थी। फ्रॉक की जो हमने ये कलियाँ कट की थी, इसकी हमने लेंथ रखी थी 25। इसी तरह से आप सब कलियों की लेंथ 25 रख के आप कट कर लें। जो इस फ्रॉक की डिटेल वगैरह थी वो मैंने शो करवा दी है आपको, साथ साथ शो होती जाएगी। इसी तरह से हमने ये फ्रॉक कट कर लिया था। ये थी इस ड्रेस की डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो पहले हमने जो कलियाँ कट की थी उसके ऊपर हमने गोटा लगाया था, फिर उसके बाद हमने फ्लावर वगैरह ये लगा लिए थे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।